कैसे हो आप ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पिछली वीडियो में मैंने इसकी जो बुनाई किस तरह से की जाती है डिज़ाइन किस तरह से बनाया जाता है वो आपको बताया था अब जो मैं आपको आपको देख सकते हैं ये देखिए कितनी अच्छी पॉकेट बनी है अभी मैंने इसे स्टिच नहीं किया हुआ है जब मैं यहाँ से इसे स्टिच करूँगी इस साइड से ये मेरी बैक की साइड है तो ये बहुत ही अच्छी जो है पॉकेट लगेगी सबसे अलग अलग की आप देख सकते हैं वी के सेब की है कितनी अच्छी है तो आइए किस तरह से इसकी जो ये डिजाइन किस तरह से पॉकेट बनी जा बनाई जाती है वो बताती हूँ आप देख सकते हैं ये मेरे राइट साइड की पॉकेट है तो मैंने अब लेफ्ट साइड की पॉकेट बनानी है हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि हम पॉकेट किस साइड को बना रहे हैं आप देख सकते हैं ये मेरा जो है दूसरा पार्ट है और मैंने जो है यहाँ से इसमें जो राइट साइड से जो पॉकेट बनाई हुई है अब मैंने लेफ्ट साइड से पॉकेट बनानी है तो इसमें क्या करना है सबसे पहले ये देखिए इस में जो है हमने कोई भी इसमें बैक वाला फंदा ये देखिए ये बैक वाला डिजाइन नहीं बनाना है सबसे पहले हमने फ्रंट का डिज़ाइन बनाना है तो किस तरह से बनाना है सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाया हुआ और ये एक सीधी लाइन बनाई हुई है तो ये कितने इसमें फंदे लिए हुए हमने तो हमने देखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स हमने फंदे लिए हुए हैं और यहाँ से हमारी बिल्कुल सेम ही वैसी ही लाइन बननी चाहिए यहाँ साइड से भी जिससे जो स्वेटर की बहुत अच्छी लुक आती है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने साइड से एक फंदे को बिल्कुल भी नहीं बुना है तो इसे जो ये देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है तो हमने सबसे पहले किस तरह से डिजाइन बनाना है इस तरह से इसमें ये देखिए ये जो एक फंदा है इसे हमने इस तरह से इसकी बुनाई नहीं करनी है और अपनी तरफ को इस तरह से घुमा लेना है और इसमें हमने सिक्स लिए हैं अपनी साइड को लेने हैं वन टू थ्री फोर और ये हमारे फाइव फंदे हो गए ये देखिए अब हमने इस साइड से अब क्या करना है हमने इसमें जो हमने आप देख सकते हैं ये देखिए इसमें जो है यहाँ या से एक लाइन जैसी बनी हुई है तो किस तरह से लाइन बनी हुई है तो हमने हर हर सिलाई में जो है ये देखिए इस तरह से दूसरी तरफ को थ्रेड को घुमाना है और यहाँ से जो दो फंदे हैं इनको हमने दोनों को इकट्ठे लेना है और इस साइड बैक साइड से पीछे की साइड से लेना है और इसे इस तरह से यहाँ से नीचे से इस तरह से इसमें इसे ये देखिए डबल कर देना इससे इससे जो हमारा एक एक फंदा इसमें अपने आप ही गुम होता रहेगा दो फंदों का हम एक फंदा बनाते रहेंगे और जिससे जो हमारी पॉकेट जो इस तरह से धीरे धीरे जो छोटी पॉकेट ऊपर की तरफ को चली जाएगी अब हमने इसमें क्या करना है अब हमने जो इसमें डिजाइन है वो डिजाइन बनाना है जैसे इसमें पीछे की तरफ कोई डिजाइन है तो इस तरह से हमने ये देखिए इस तरह से पूरा डिजाइन हमने ऐसे ही बनाना है सिर्फ हमने यहाँ जो है एक एक फंदा जो है कम करते जाना है जिससे जो है हमारा डिजाइन पॉकेट की जै जैसा बनता रहेगा ये देखिए इस तरह से हमने पूरे की बुनाई करनी है उल्टी साइड हमने देखिए यहाँ पर ध्यान रखना जो छः फंदे हैं हमने वो अपनी तरफ को इस तरह से लेने हैं इसमें जो है वो डिजाइन नहीं बनाना है इस तरह से और इस तरह से इसे घुमाकर जो यहाँ से एक फंदे की हमने बुनाई नहीं करनी है इसे इस तरह से घुमा लेना है और इसमें ये देखिए यहाँ से क्योंकि हम जो है इसमें इस तरह का बॉर्डर बॉर्डर बना रहा है तो यहाँ से हमने इन छह फंदों को जो अपनी तरफ ही घुमा कर लेना है और इस तरह से जित जब हमारे छह फंदे हो जाएंगे ये देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब हमने इस साइड जो ये देखिए वही लाइन बनानी है ये फंदा हमने इस तरह से लेना है सीधा और इसके साथ जो दूसरा फंदा इस तरह से दो फंदों का हमने ये देखिए एक फंदा इस तरह से बना देना है और जो ये फंदा है देख राइट साइड का तो इसमें हमने वही डिज़ाइन बनाना है पूरे में यही प्रोसेस चलेगा जब तक जो हमारी हम पॉकेट जो है बहुत बड़ी बनेगी तो पूरे में सेम यही डिज़ाइन चलेगा दूसरी तरफ से सेम वो ऐसे ही सीधा अपनी तरफ को दो फंदे अपनी तरफ को दो दूसरी तरफ को लेने हैं उसमें कोई डिज़ाइन नहीं डालना है वो सिंपल तरीके से लेने हैं सिर्फ इसमें ही हम इस तरह से छे ले रहे हैं आप देख सकते हैं ये जो पॉकेट है इसमें यहाँ से बिल्कुल जो है हमारी लूज नहीं है क्योंकि हमने इस तरह से इसकी बुनाई की हुई है जो बिल्कुल परफेक्ट बैठी हुई है तो इसमें भी हम किस तरह से ऐसा करेंगे तो आपने इसमें यह ध्यान रखना है देखिए जब हमारी यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब दस सिलाइयाँ जब हमारी इसमें मैंने वन साइड से लिए तो डबल करेंगे तो दस सिलाई जब हमारी हो जाएगी तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ से ये जो छः हमारे फंदे हैं इनकी हमने बिल्कुल भी बुनाई नहीं करनी है और अपनी तरफ को इस तरह से इसे घुमा लेना है और जो ये हमारा सीधा फंदा है ये वाला इसकी हमने यहाँ से बुनाई कर देनी है इस तरह से बुनाई करने के बाद जो है हमने अपनी तरफ को इसे घुमा लेना है और फिर यहाँ से जो है इसे जो बिल्कुल सीधा लेना है इस तरह से और इसके साथ जो ये यह देखिए यहीं से हमने वापिस दूसरी साइड को घूम जाना है और दूसरी जब हम अगली नेक्स्ट नेक्स्ट बुनाई करेंगे तो उस उस टाइम जो हम इसे पूरी की इसकी में बुनाई कर देंगे इस तरह से हमने हर दस सिलाई में जो है हमने इसकी बुनाई नहीं करनी है इससे हमारा यहाँ से बिल्कुल भी लूज़ नहीं आएगा जो यहाँ इसका मोहरी है जो जहाँ से हम हाथ डालेंगे तो ये बिल्कुल टाइट आएगी मैंने जो इसमें ये पॉकेट जो है सवा छः इंच जो है लंबी बनाई हुई है यहाँ से और जो इसमें ये जो फंदे हैं यहाँ पर जो सेम उतने ही फंदे लिए हैं तो किस तरह से लेंगे यहाँ तक जो आप देख सकते हैं जब हमारे यहाँ पर फंदे जो है ये देखिए तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाई मतलब इसमें जो पच्चीस फंदे जब रहेंगे तब हमने यहाँ पर इसमें इन इनको जो बिल्कुल भी नई इसकी बुनाई नहीं करनी है ऐसे ही रख देने हैं और फिर यहाँ से हमने दूसरी साइड को इस तरह से पलटी मारना है और यहाँ से सेम यहाँ पर जो हमने उतने ही फंदे उठाने हैं जितने इसमें है इसमें जो मैंने फंदे फिफ्टी फाइव लिए हुए हैं तो सेम मैंने उसी तरह से अभी ये देखिए ये मेरी पूरी नहीं बनी हुई है लेकिन आप देख सकते हैं डिजाइन सेम वैसा ही बन रहा है ये यह देखिए यहाँ से पॉकेट का जो ये खुली साइड है और या इसी तरह से जब हमारे मेरे यहाँ पर ट्वेंटी फाइव फंदे रहेंगे उसके बाद मैं यहीं पर इन्हें इस तरह से छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी अब हमने इसमें किस तरह से फंदे डालने हैं इसमें यहाँ पर जहाँ से हमने ये देखिए इसमें मैंने एक फंदा लिया हुआ है तो किस तरह से लेना है ये फंदा ये यह देखिए यहाँ से बिल्कुल निशान लगा देना है हमने इसमें आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना है और नीचे से जो इसमें ये देखिए इस तरह से इसमें फंदे लेने हैं बिल्कुल आराम से कहीं भी ऊपर नीचे नहीं जाना है इसके बिल्कुल फ्रंट के सामने से ही हमने इस तरह से इसमें फंदे लेने हैं जहाँ तक हमारे फिफ्टी फोर आ जाएंगे पूरे फंदे इसी में ही लेने हैं ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधे इससे ये देखिए बिल्कुल सीधे इसके आगे जाना है और इस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम तो है लेकिन आराम से आप करेंगे तो ये देखिए नीचे से कोई भी धागा ले लेना है और इसमें इसकी बुनाई कर देनी है ये देखिए कोई भी फंदा ले लिया और इस तरह से ये देखिए जब तक हमारे फिफ्टी फ़ोर नहीं हो जाते तब तक हमने इस तरह से फंदों को ले लेना है और इसमें पूरे फिफ्टी फ़ोर ही हो गए ये देखिए हम क्योंकि एक एक फंदा ले रहे हैं टेढ़ा मेडा नहीं जाना है बिल्कुल सीधा आपने सीधे इस तरह से हमने सारे फंदे इसी तरह से उठा लेने हैं यहाँ तक पूरे जहां तक हमारे फिफ्टी फोर हो जाते हैं एक और इजी तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ देखिए मैंने ये फंदे इस तरह से निकाल दिए इसमें धागा आप डायरेक्ट जो इस तरह से फंदे भी उठा सकते हैं वन टू क्योंकि अगर आपके टेढ़ा मेढ़ा ना जाए तो इस तरह थ्री फोर इस तरह से उठा लेंगे पहले फाइव सिक्स जहाँ तक हमारा फोर्टी फाइव नहीं फिफ्टी फाइव नहीं आ जाता सेवन एट बिल्कुल फिल हमने सिर्फ फंदे ही उठाने हैं इसमें बिल्कुल सीधे से उठाने हैं टेढ़े मेढे नहीं उठाने हैं ये देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारे जो है फिफ्टी फाइव फंदे आ जाते हैं वहाँ तक हमने इस तरह से पहले हमने फंदे ही उठा लेने हैं ये देखिए इस तरह से ये देखिए आप देख रहे हैं पूरे में हमने ऐसे फिफ्टी फाइव जो फंदे उठा लेने हैं इस तरह से आप देख सकते हैं हमने डायरेक्ट जो है ये देखिए बिल्कुल फंदे उठा लिए हैं बिल्कुल एक बराबर अब हमने इनकी जो है बुनाई करनी है तो किस तरह से इस तरह से धागा लेना है और एक जो हमने अपनी तरफ को ही इसकी बुनाई कर देनी है इस तरह से हमने इन फंदों की जो है तीन चार बार इनकी सिलाइयाँ लेनी है तो किस तरह से अपनी तरफ को ही सारी जो है फंदे लेने हैं और जब हम थोड़े चार पांच सिलाई हमारी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो हमने ये डिज़ाइन बनाना शुरू कर देना है उल्टे सीधे का ध्यान रखना है कि उल्टी साइड हमारा ऐसा डिजाइन बनना चाहिए और दूसरी साइड हमारा ऐसा डिजाइन बनना चाहिए आप आपको ये ऐसे वीडियो में पॉकेट लगानी अच्छे से समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं इससे भी इजी तरीके से आपको पॉकेट लगाना सिखाऊंगी ये देखिए किस तरह से बनाई हुई है मैंने आपको बताया इसमें ये देखिए यहाँ से जब तक हमारे जो है ट्वेंटी फाइव फंदे नहीं रहेंगे तब तक हमने इसमें यहाँ से एक एक फंदा कम करते जाना है और ये मैंने पॉकेट जो है कम से कम सवा छः इंच की यहाँ से बनाई हुई है सवा छः इंच की दूसरी साइड आप पल्टी मारेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मैंने सिर्फ जो नीचे से जो ये देखिए फंदे लिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर जितने मेरे पास थर्टी फाइव जितने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मेरे ट्वेंटी फाइव है तो मैंने यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर ट्वेंटी है वहाँ तक जो मैंने इसमें फंदे लिए हुए और यहाँ पर मैंने इस पर जो मैंने दस फंदे जो इनमें ये देखिए इनको जो मैंने ऐसे ही कम कर दिया है ऐसे ऊपर से बंद कर दिया है ने। मैं जब पॉकेट को स्टिच करूँगी तो इस तरह से इसमें यहाँ से बिल्कुल ये पॉकेट जो यहाँ तक जो यहाँ से इस तरह से सिलाई लग कर बंद हो जाएगी और यहाँ से फिर हमारी ये खुली वाली साइड रहेगी पॉकेट बहुत ही अच्छी और बड़ी पॉकेट बनती है आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉच